तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, और मुझे पता है कि किस तरीके से मैं अपने कस्टमर्स को मदद कर सकता हूँ उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इतना ज्ञान, इतना स्मार्ट होना क्या एनफ है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एनफ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे एनफ इसको कर सकते हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। नमस्ते, मैं उमेश नाथ, skillyogi.com का फाउंडर, और जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप योगी में हम आपको मदद करते हैं ताकि आप आसानी से स्टार्टअप के बारे में जान सके और अपना सफल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं आसान वीडियोज के माध्यम से। और अगर आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1% ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल जवाब है वो पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी आपको मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, मैंने कुछ कोर्सेज भी किए हैं और इस चैनल का वीडियोस आपने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना अच्छा चैनल आपके लिए बनाया है, इतना कुछ आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चलो भाई, स्टार्टअप मुझे करना है, मैंने बिजनेस शुरू किया है, पूरा मोटिवेशन किया है, पूरा ऑनलाइन स्टडी किया है, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, मैंने सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ मैंने किया है, और मैंने लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया, या मैंने पैसा कहीं से, पूंजी जो है, कैपिटल जो है वो मैंने जुगाड़ कर लिया है, तो अभी मुझे बिजनेस शुरू करना है और मैं बहुत स्मार्ट हूँ। एंड अगर आप ये चैनल को फॉलो करते हैं तो आप स्मार्ट ज़रूर हैं, पर स्मार्ट होना क्या आवश्यक, मतलब इनफ होता है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए? Sadly, it's not the reality. अगर आप स्मार्ट है, बहुत सारे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने कहा था कि ज़्यादातर स्मार्ट लोग बिजनेस ही शुरू नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इसके पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं, आउटकम क्या हो सकता है, और फेलियर के 100 रीज़न वो निकाल लेते हैं। सक्सेस के 10 रीज़न अगर निकालते भी हैं, वो फेलियर के 100 रीज़न पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए स्मार्ट लोग ज़्यादातर बिजनेस नहीं करते हैं। और अगर आप उन स्मार्ट लोगों में से हैं जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे आप फेल कर रहे हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, नया कुछ आपने सीखा है, बहुत सारे बुक्स आपने पढ़े हैं, आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल रहे हैं, तो उसको आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, आप जितना भी स्मार्ट हो जाएं, आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि आप नई नई चीज़ें उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, नए तरीकों को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बहुत हड़बड़ी में हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये गलती मैंने खुद भी किया था, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल में 1 साल में बिजनेस को पूरा 10 करोड़ का टर्नओवर ला दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है, पर अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, सो 1-2 साल में आपका जो बिजनेस है उसको एकदम बर्स्ट करके एकदम उठाना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको छोटे छोटे स्टेप में आपको ब्रेक करके, ब्रेक डाउन करके उसको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है आप 100 करोड़ का कंपनी शुरू करना चाहते, बहुत अच्छी बात है आप 1000 करोड़ का कंपनी शुरू करना चाहते, पर यहाँ पे आपको आस्ते आस्ते 100 करोड़ जाने के लिए आपको पहले 1000 रुपये चाहिए होगा, 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, फिर जाके आप 10 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। एक एक छलांग में आप 10 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते, ये संभव नहीं होता है। या तो आपको कुछ इलीगल करना पड़ेगा या आपको स्कैम करना पड़ेगा अगर आप सीधे 10 करोड़ पे छलांग मारना चाहते हैं। तो आपको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स के माध्यम से अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सर, क्योंकि स्मार्ट लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सोचने की उनकी क्षमता होती है, वो ड्रीम करते हैं, वो सपना देखते हैं, आप सपना देख रहे हैं, इसलिए आप अपना जो स्टार्टअप का बिजनेस है वो शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर हम सपने की दुनिया में डूब जाते हैं और सपने में ही रह जाते हैं, इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो चौपट हो जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो है रियलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप बिजनेस कुछ भी करें, बहुत अच्छा, 100 करोड़ लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, पर अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट ना ही करें, आपने ऐसा कुछ बना लिया, ऐसा कुछ आपने तैयार किया जिसकी मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है या मे बी 10 साल बाद रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको क्या लगता है आपका स्टार्टअप या बिजनेस कभी चलेगा? ज़रूर नहीं चलेगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस जगह पर आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, ये गलती मैंने बहुत बार किया है, बार बार किया है, पर क्योंकि मैं इस रियलिटी को समझने की कोशिश करता हूँ और समझता हूँ, इसलिए मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ता हूँ।
और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ें। इसलिए जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तब आपको ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। अगर कस्टमर के पास 100 रुपये है तो आप अगर उससे 1000 रुपये मांगेंगे वो कहाँ से देगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए आपको उसका रियलिटी समझना पड़ेगा और एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि मैं सोचता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा प्रोडक्ट उसके लिए सही है, उसके लिए पर्याप्त है, उसमें कुछ फीचर्स मुझे क्या ऐड करना चाहिए, उसमें अगर मैं फीचर्स कुछ ऐड कर सकता हूँ उससे क्या मेरा कॉस्ट जो है वो मैं कम कर सकता हूँ। तो अगर आप रियलिटी को समझ के न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच के अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं तो आप आसानी से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो ये कुछ 3 स्टेप्स थे आपके लिए, और भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं डाल सकता हूँ पर इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। छोटे छोटे वीडियोस छोटे छोटे निवालों में आपको देना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से स्टार्टअप का ज्ञान स्टार्टअप योगी से सीख सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, बनता ही है, वीडियो लास्ट तक आपने देखा है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हम स्टार्टअप योगी में इतना मेहनत कर रहे हैं आपको मदद करने के लिए। तो थोड़ा सा आप हेल्प कर देंगे तो हमारा चैनल भी आपके लिए और आपके साथ आगे बढ़ेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।